और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह 9 बजे का जो टाइम रखा गया था, गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से एकत्रित होकर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर ये देखिए मिरकपुर के हैं। भाई कहाँ से आए हैं? मिरकपुर। अच्छा, और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ पहुंची है। और पीछे देख सकते हैं फोर्स आपको दिखाई देगी, पीछे फोर्स यहाँ पर है। कहीं नहीं रुकने का। अच्छा, जहाँ रुका हंगामा ढेर बड़ा हो जाएगा। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लोगों के हाथ में झंडे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये पीछे अंकित, आप इधर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से गुर्जर और मिरकपुर का यहाँ पर वो है, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे दिखाइए अंकित एक बार, वो देखिए वहां से लोग कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी कि 9 बजे का जो टाइम था उस टाइम पर ही यहाँ पर किस तरीके से भीड़ पहुंची है। और अंकित इधर आइए, ये देखिए ये यहाँ पर माल्यार्पण करने का टाइम रखा गया था 9 बजे। यहाँ पर गुर्जर समाज की ओर से गौरव यात्रा निकालने का ये आह्वान किया गया था। और पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई देख रही है और ये भीड़ आपको दिखाई दे सकती है। ये वो वीर गुर्जर प्रत्याहार मिहिर भोज की जो तस्वीर है और वहाँ पर सचिन पायलट के जो पिताजी हैं उनके तस्वीर है। और ये देखिए ये यहाँ पर तमाम पुलिस के बीच में यहाँ पर किस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दी है। और ये देखिए आगे जाती हुई ये भीड़ आपको दिखाई दे जाएगी। मिरकपुर के गुर्जर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं ठीक टाइम पर। ये पीछे देख सकते हैं, पीछे भी कितनी भीड़ है। जो लोग आ रहे हैं उनसे हम जरा बातचीत करते हैं कि कैसे वो कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, क्या लोगों को आने के लिए जो रोकने का बात कही गई थी। ये देखिए लोगों के अंदर जोश है। भाई कहाँ से आए हो? जिंदाबाद। कहाँ से आए हो? रेवाड़ी। रेवाड़ी से। और ये देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से है भाई? हम गांव के ही है जी। गांव के ही है। और ये तमाम यहाँ के गांव के भी लोग हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये भीड़ आई है। ये देखिए लोगों के अंदर जोश है। 9 बजे का जो टाइम कहा गया था उस 9 बजे के टाइम को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन था। प्रशासन हालांकि आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये भीड़ बताने के लिए काफी है किस तरीके से यहाँ पर भीड़ पहुंची है। और ये जी कैसे देखते हैं आप इस भीड़ में, क्या कहेंगे? आज गुर्जर समाज अपने सर पे कफन बांध के आया है। कुछ भी हो लेकिन यात्रा जरूर निकलेगी। अच्छा, यात्रा जरूर निकलेगी। जरूर निकलेगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। क्रांतिकारियों को अनुमति की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और इनका कहना है क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पर नहीं रुकती है। और ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए लोगों के अंदर जोश है। आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब कैसे देखते हैं इस भीड़ में, क्या कहेंगे? गुर्जर समाज यात्रा निकालेगा जरूर। हाँ। गुर्जर समाज इकट्ठा है आज। हाँ। पद यात्रा होगी। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मतलब नहीं निकले हैं। हजार तो हजार संख्या तो जारी, 20,000 संख्या जाली। और कोई मामला देख भी हुआ करना चाहता हो, पुलिस प्रशासन भी अभी तो भाई यार रैली और पंचायत आज नहीं होगी, कल को होगी होगी। अच्छा, गुज्जरगढ़ है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर यहाँ पर जोश है। प्रशासन जो है वो इधर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। अंकित थोड़ा सा एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइए, ये भीड़ जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। और ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो रोका जा रहा था, कहा जा रहा था अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से। और भी अगर जो अंकित आप पीछे दिखाइए एक बार, उधर देखिए अभी भी लोग वहां से धीरे धीरे जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे थोड़ी दूर पे ही प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर किस तरीके से ये गुर्जरों का जोश जो है, यहाँ पर गौरव गुर्जर यात्रा थी उसको देखते हुए आप दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर गुर्जर के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के हाथ में किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर मिरकपुर के लोगों ने पोस्टर ले रखा है, क्या कहेंगे भाई साहब? गुजरों का उत्पीड़न हो रहा भाजपा की सरकार में। भाजपा ने गुजरों का उत्पीड़न दादरी में करा और फिर दोबारा करा। अच्छा। गुजर आने वाले समय में भाजपा का इलाज करेगा। अच्छा। तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर पूरा जबरदस्त जोश है। लोग अपनी पूरी बयानबाजी जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ है अंकित, आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर 9 बजे से पहले ही यहाँ पर किस तरीके से भीड़ पहुंची है। लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हालांकि बहुत दिनों से विवाद जो था वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। सहारनपुर में बहुत ज्यादा इसमें बयानबाजी हो रही थी, लेकिन आज का जो टाइम रखा गया था, हालांकि प्रशासन यहाँ पर कल से सतर्क था, लेकिन जिस तरीके से ये भीड़ यहाँ पर पहुंची है
तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों के अंदर का जोश है, गुर्जर समाज के अंदर जो जोश है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं, लोगों से भी हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर पहुंचे। भाई जी कहाँ से आए हो? सांपला गाँव से। कैसे देखते हैं, कहा जा रहा था अनुमति नहीं है फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़? गुजरों ने अनुमति की क्या जरूरत है भाई, गुजर तो बिना अनुमति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो इनका कहना है कोई दिक्कत नहीं है, और भी तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत। भाई जी क्या कहेंगे इस भीड़ को, कैसे देखते हैं? भीड़ बहुत अच्छी होगी, शांतिपूर्वक तरीके से होगी। हमें अपने समाज का सम्मान पाना है, अपने आप को साबित करना है कि हम भी इस जगह रहते हैं, भारत देश के अंदर रहते हैं, हम यहाँ पे अपना सम्मान पाएंगे और गुजरों को बहुत ऊंची स्थिति में लेकर जाएंगे। कहा जा रहा था कि भीड़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, प्रशासन रोक देगा। अभी यहाँ पे वो आनी बाकी है, अभी कुछ लोग आ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, सभी हमारा बड़े नेता भी जुड़ने वाले हैं। देख सकते हैं नौजवानों के अंदर का यहाँ पर जोश आपको दिखाई देगा। हालांकि प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ पर पहुंच, प्रशासन के सामने ही यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और थोड़ी तनातनी जो है प्रशासन के यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अंकित आप इधर दिखाओ थोड़ा सा, ये देखिए समझा रहा है प्रशासन, प्रशासन को समझाते हुए भी बात होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप अगर तो करीब से दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर पुलिस से बात, प्रशासन से बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। और ये तस्वीरें जो है वो आप देखने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो भीड़ है ये बताने के लिए काफी है यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये भीड़ 9 बजे का यहाँ पर टाइम रखा गया था गोरख गुज्जर यात्रा को लेकर, हालांकि प्रशासन यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्क था, प्रशासन यहाँ पर ज्यादा था, लेकिन फिर भी किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है। और ये तमाम लोग जो है वो आप देख सकते हैं, वो सबके लिए 144 मारे नाम की है क्या? 144 मारे नाम की है। बहस ना करो यार, आराम से बोलो यार। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन जो है वो बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंकित हम अगर जो उधर की तस्वीरें दिखाएं, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सन्नाटा था, लेकिन 9 बजे से पहले जिस तरीके से अचानक एकदम भीड़ आई और भीड़ ने यहाँ पर आकर किस तरीके से एकदम धावा बोल दिया और यहाँ पर पहुंच गया प्रशासन। आप पीछे एक बार दिखाएं अंकित, पीछे दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। गोरख गुज्जर यात्रा जो कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं मिली, और परमिशन ना मिलने के बावजूद भी यहाँ पर जिस संख्या में गुर्जर समाज एकदम अचानक आया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। संत साहिब मिरकपुर ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो अचानक एकदम पहुंचे, और कहा जा रहा था कि भीड़ जो है भीड़ को रोक लिया जाएगा, प्रशासन यहाँ पर सतर्क था, लेकिन जिस तरीके से अचानक यहाँ पर ये प्रशासन को चकमा देकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये भीड़ जो है वो बता रही है कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर लोगों के अंदर जोश है और लोग किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिए हैं। भाई साहब हैं यहाँ पर, भाई साहब कैसे देखते हैं इस पूरी भीड़ को, क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन मिलो ना मिलो होगी यात्रा असफल होगी, गुजर एकता मीर भोज। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि भले ही परमिशन ना मिले लेकिन यात्रा होगी। और यही यहाँ पर है कि किस तरीके से ये जनता जो है, ये जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल, जो कहा जा रहा था कि माहौल यहाँ पर नहीं बनेगा, रात की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, रात भी यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। और हालांकि प्रशासन अभी भी यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी आप देखें धीरे धीरे लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भीड़ देखने के बाद, जैसी यहाँ पर ये भीड़ पहुंची है, अचानक यहाँ पर लड़के आए हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पर किस तरीके से अचानक एकदम लोग आए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि प्रशासन जो है वो हालांकि बैरिकेटिंग करे हुए था, रोके हुए था लोगों को, लेकिन अचानक ही 9 बजे से पहले ही, हालांकि 9 बजे का यहां पर आह्वान किया गया था कि 9 बजे यहां पर भीड़ में पहुंचे, और लेकिन धीरे धीरे आपको यहां पर गाड़ियों की अब संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो यहां पर लोग लेकर आ रहे हैं। अगर जो और भी देखें वहां सामने बैरिकेटिंग की गई है, अभी भी वहां से कुछ लोग जो है वो धीरे धीरे अपनी संख्या में जैसे जैसे वो यहां पर पहुंच रहे हैं,
और अचानक ये भीड़ आना, पैदल एकदम भीड़ जो आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये जोश है गोरख गुर्जर यात्रा को लेकर। हालांकि मना किया जा रहा था कि भीड़ नहीं पहुंचेगी, भीड़ नहीं आएगी, लेकिन अचानक यहाँ पर भीड़ पहुंची है और प्रशासन जो था वो देखता रह गया कि किस तरीके से यहाँ पर एकदम अचानक ही इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। और अगर जो अभी भी देखें अंकित, उधर पुलिस वाले अभी भी खड़े हुए हैं, बैरिकेटिंग उन्होंने आगे कर दी है, लेकिन उधर देखिए नारेबाजी हो रही है, वहां पर भी भारी संख्या में भीड़ है। वो देखिए उनको रोकने का प्रयास करते हुए वहां पर पुलिस, ये देखिए वहां पर रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो देखिए वो निकल गया है साइडों से, सामने से, और ये भीड़ फिर से यहाँ पर आपको एक और बार हावी होते हुए दिखाई देगी। ये देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तमाम जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो प्रशासन को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं।